एवरीवन, सो गाइस वी आर बैक हियर। सो आज हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो ये रिकॉर्डिंग मैंने रात में की थी। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस कर दीजिए अगर सब्सक्राइब, अगर आप देखते हैं वीडियो कर दो यार। सो गाइस आज हम लोग म्यू को पकड़ने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मैंने एक मछली पाल के रखी थी, उस मछली को काफ़ी मैंने खिलाया पिलाया, काफ़ी मेहनत की। सो आज वो 401 कैंडीज़ में आ गई है और ये मछली एक कैंडी 1 किलोमीटर पे देती है। 1 किलोमीटर चलना पड़ता है इसके लिए और तब ये 1 कैंडी देती है। मैं इस मैजिक कार्प से 114 किलोमीटर चल चुका हूँ। सो गाइस ऐसा है कि 114 किलोमीटर में सिर्फ इसी मैजिक कार्प से चला हूँ। इससे पहले और भी मैजिक कार्प थी जिसकी सीपी इससे कम थी और उनकी आईवी भी इससे कम थी। सो गाइस मेन मोटिव मेरा ये है कि अपने को म्यू पकड़ना है। जब से मैंने मूवी देखी है तब से मेरे दिमाग में म्यू म्यू चल रहा है, तो आज म्यू पकड़ के रहेंगे। आज नहीं, मतलब एक स्टेप आज कंप्लीट करेंगे। सो गाइज अगला जो स्टेप है उसमें क्या कि कैंटो रीजन के ना 100 पोकीमोन्स रजिस्टर करने हैं। तो मैंने कुछ 89-90 कर रखे हैं रजिस्टर, तो आज हम लोग कुछ और करेंगे। तो मैं कैंटो रीजन का ये मैचोक है इसको मैं इवॉल्व करूँगा और ये रजिस्टर हो जाएगा पॉकी डेक्स में। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बढ़ रहे हैं आगे और अगली बार जो मैं वीडियो डालूँगा तो उसमें मैं म्यू पकड़ चुका हूँ, म्यू पकड़ते हुए वीडियो डालूंगा आपको। सो गाइस म्यू बहुत ज़्यादा मिथिकल है, मतलब उसके पास हर अटैक है लगभग, वो कोई भी अटैक कर सकता है। सो 2300 सीपी का है, बहुत बढ़िया है, मास्टर लिंग में बहुत कम आने वाला है। सो अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ग्रोलिथ। ग्रोलिथ का जो इवॉल्व बन के ये आर्सनल बन जाता है जो कि एक हाईएस्ट सीपी पोकेमोन है जो कि हमें वाइल्ड में मिलता है। इसकी सीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती है आगे जाके, तो ये 1000 सीबी का तो मतलब इसका छोटा रूप है, तो बढ़ेगा तो ये देखो भाई कितने का बनता है। मैंने पहले भी इवॉल्व कर रखे हैं वो कम सीपी के थे, पर ये सबसे ज़्यादा सीपी का था और इसकी आईवी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने इसको इवॉल्व किया है। कई दिनों से रखा हुआ है ये, मेरे पास शाइनी में भी है और काफ़ी रूप हैं इसके, प्योरीफाइड भी है। सो गाइज जब मैंने ये गेम डाउनलोड किया था तब से मतलब मेरा जो मोटिव था वो म्यू पकड़ना था। तो मैंने मैजिक कार्प तो तब अपना बड़ी नहीं बनाया था, बड़ी मैंने उसको बाद में बनाया जब मुझे पता चला कि मैजिक कार्प एक पार्ट है। जैसे चला पता मैंने उसको अपना बड़ी बना लिया और लगभग मैं 1 महीने से इसको कैंडीज खिला रहा हूँ। सो गाइज धीरे धीरे पोकेमोन्स मिलते गए, कैंटोरिज्म में भरते गए और आज हमारे पास जब वीडियो ख़त्म होने वाली होगी तब हमारे पास 94 रजिस्टर्ड पोकेमोन होंगे जो कि कैंटो रीजन के होंगे। उसके बाद 6 हमें और चाहिए। ब्लीजी आ चुकी है, पर अफसोस की बात यह है कि ब्लीजी जो है वो कैंटो रीजन की नहीं है। कैंटो रीजन में सिर्फ 150 तक पोकेमोन आते हैं। 151 पे हमारा आता है म्यू और 150 पे है म्यू टू। अब हमारे पास ये घोड़ा है जो कि आग बरसाता है। सो गाइस मैजिक का मेरे पास जो अभी है वो 155 सीपी की है और उसकी आईवी बहुत अच्छी, बहुत शानदार है। 100 आईवी नहीं है पर उसका जो अटैक है और डिफेंस है ये फुल है, फुल मार्क्स हैं उसमें। मेरे पास 155 से ऊपर की भी मैजिक कार्प थी जो कि थी 169 की, जिसको मैंने एक दोस्त को दे दी। उसकी भी आईवी बहुत शानदार थी पर इससे थोड़ी कम थी। उसका अटैक फुल था, उसका एचपी मतलब फुल के करीब था और डिफेंस भी फुल के करीब ही था। सो गाइज हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, कैंटो रीजन को भरते जा रहे हैं। तो आज मैंने सिर्फ कैंटो रीजन के पोकेमोन इवॉल्व करने के लिए चुना है क्योंकि अपने को वो टास्क पूरा करना है। तो आज हम लोग 7th स्टेज पर पहुँचेंगे। तो क्या है मिथिकल डिस्कवरी में, क्या पूरे हमारे पास 8 स्टेप्स हैं जिसमें हमें 7 करने हैं
आठवां हमारा ये है कि हमें म्यू को पकड़ना है और रिवॉर्ड्स गेन करने हैं। सो गाइस ये मैंने जल्दीबाजी में बल्बासोर को पावर अप कर दिया है, तो वो तो सही था कि हमारे पास कैंडीज थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमारे पास बल्बासोर का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है ईवी सोरस। ईवी सोरस के बाद हमारे पास वेनू सोरस आएगा जो कि अभी हमारे पास कैंडीज नहीं है। ये काफ़ी यार मतलब लुप्त हो गए हैं ऐसा लग रहा है, ये वाले पोकेमोन्स मिलते ही नहीं हैं, इजीली कम मिलते हैं, और कभी कभार ऐसी जगह पर होते हैं कि हम वहाँ जा नहीं सकते, और कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग इनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। सो गाइस ये पिकाचू मैंने लिस्ट में डाल रखा है, पर ये इवेंट वाला पिकाचू इवॉल्व नहीं होगा, और वैसे ही मेरे पास मैंने इवॉल्व कर रखे हैं दो पिकाचू हैं मेरे पास, एक अपना नॉर्मल पिकाचू है और एक अपना एलोलन पिकाचू है। सो एलोलन पिकाचू में खासकर हमें जिम में मिलता है, रेड में मिलता है। पॉलीबैग को मैंने भी डाल रखा है, पहले डाल दिया था मैंने, तो तब से मुझे कभी मिला ही नहीं पॉलीबैग। जिगली पफ का इवॉल्व पार्ट है मेरे पास पहले से। सो गाइस मैजिक कार्प जो बनता है उसके पीछे कहानी है, 400 कैंडीज वो लेता है। सो गाइस 400 कैंडीज मतलब होता है उसका स्ट्रगल, एक मछली जो कि मतलब एक मॉन्स्टर बनने वाली है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने कार्टून में देखा होगा मैजिक कार्प जो होती है वो अपने अगेंस्ट वाली स्ट्रीम में तैरता है, मतलब वो बहाव के उल्टे चलता है, जिस साइड पानी बह रहा है उसके अपोजिट साइड वो तैरता है, प्लस वो एक वाटरफॉल को पार करता है, और जो मैजिक का भी कर लेता है वो बन जाता है गैराडॉस। सो 20% बैटरी वाला जो ये मैसेज है हमारी हर वीडियो में रहता है। सो गाइस प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप देखें उसको यार ये क्या बन जाता है, ये देखिए भाई साहब क्या बन रहा है ये, और ये हमारे सामने आ गया है गैराडॉस। गैराडॉस जो कि एक मॉन्स्टर है, वाटर टाइप पोकेमोन है, पोकेडेक्स में रजिस्टर हो चुका है 1929, बहुत बड़ा चेंज है देख सकते हैं आप लोग, 155 से 1900 तक का जो जर्नी है वो 400 कैंडीज करवाती है। उसके आगे और भी होगा, ये कोई पहला गैराडोस नहीं है हमारा, हम अभी और गैराडोस बनाएंगे आगे, जर्नी बहुत लंबी है। अभी मेरा लेवल सिर्फ 32 है, मुझे खेलते हुए ज़्यादा मंथ नहीं हुए, 2-3 मंथ हुए, और गाइज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम लोग आगे म्यू पकड़ेंगे और वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा म्यू पकड़ते हुए। सो गाइज मेरे पास और भी पोकेमोन थे इवॉल्व करने के लिए, वो मैंने अभी किए नहीं, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पोकेमोन से इवॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ ईवीज भी हैं, और उनकी अगर आप ईवी की आप आईवी दिखाऊंगा तो आप पागल हो जाओगे, बिल्कुल फुल आईवी 100% आईवी वाले ईवीज भी हैं मेरे पास। सो गाइज मैं 32 लेवल पे हूँ, और मैं गैराडोस देखो यार ये क्या क्या चीज़ बन गई है, ये इसका मुंह हमेशा खुला रहता है। सो गाइज अब हम लोग पॉकीडेक्स चेक करेंगे, और पॉकीडेक्स में मैंने बोला था कि 94 हमारे पास हो चुके हैं, तो पॉकीडेक्स चेक करने से पहले मैं ये कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मिथिकल डिस्कवरी, हम लोग 6th लेवल क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग अब 7th लेवल पे आएंगे, कुछ रिवॉर्ड्स ले लेते हैं, ये लैग होता है गेम यार कभी कभार, सो उसको एक्सक्यूज़ करें। सो प्रोफेसर जी हमें कुछ सिखा रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, और हमें अब कुछ नई रिसर्च के बारे में बोल रहे हैं, तो इन्होंने 3 नई रिसर्च दी हैं, इनकी रिसर्च कभी ख़त्म ही नहीं होती यार, सीधे म्यू दे दो यार। सो गाइज ये 7x8 लिखा है, ये लास्ट लास्ट रिसर्च है, हमें क्या करना है 50 पोकीमोन्स पकड़ने हैं बैरिस के लगे, एक एक्सीलेंट थ्रो करना है और हमें गोल्ड मेडल लेना है कैंटो रीजन में। तो पॉकीडेक्स में आते हैं, और अगर आप इधर देखेंगे 94 पोकीमोन रजिस्टर हो चुके हैं, तो 6 पोकीमोन और चाहिए जो कि इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास स्नोरलैक्स लगभग मिलने वाला है, और ईवी के मैं 2 रूप कर सकता हूँ, और फाइटिंग पोकीमोन है उनके भी हो जाएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, थैंक यू गाइज़।